हेलो स्टूडेंट, तो ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना रहे हैं जो जैक 2023 में सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा और उम्मीद है कि इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आएगा भी। तो ऑप्टिक्स का ये लेक्चर नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर जैक एग्जामिनेशन 2023। तो लॉन्ग क्वेश्चन का हम वीडियो बना चुके हैं और शॉर्ट क्वेश्चन का भी बना रहे हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दो वीडियो बना दिए थे और तीसरा वीडियो देखिए जिसमें लेंथ मेकर पर बताए, प्रिंट पर बता दिए व्हाट इज स्केटरिंग ऑफ लाइट। अब रहा कि स्केटरिंग ऑफ लाइट पर चार क्वेश्चन जनरली पूछता है, बहुत ही सब आता है। व्हाई, पहला क्वेश्चन, व्हाइट लाइट, ये व्हाई कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। ये तो आप लोग देखते हैं, डेली देखते भी है कि आकाश है उसका रंग नीला क्यों दिखता है। नीला मतलब प्योर नीला नहीं, उसको क्या बोलते हैं, आसमानी बोलते हैं। तो सारा का कारण अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई, चार ऑप्शन दे देगा, स्केटिंग, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, तो आप एंसर क्या होगा, स्केटिंग। तो ये जितना भी क्वेश्चन इधर लिखिएगा तो सब में क्या है कि एक दो लाइन आप स्केटिंग के बारे में जरूर लिखिएगा और फिर रेलेज फॉर्मूला से रिलेटेड करके उसका आंसर कर देंगे। तो पहला क्या होता है कि ये मान लीजिए अर्थ है और यहां से सन से जो लाइट आ रहा है अर्थ पर वो क्या है कि डिफरेंट एटमोस्फेयर से आ रहा है। ये क्या हो गया, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल है, डस्ट का, वाटर का, ड्रॉपलेट का, उस पर जब लाइट पड़ता है तो चारों तरफ क्या करता है, रेडिएट कर जाता है, फैल जाता है। ये जो फिनोमिना हुआ फैलने का, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, स्केटरिंग ऑफ लाइट। तो पहले स्केटरिंग के बारे में लिखिएगा, दो नंबर रहेगा, तीन नंबर का क्वेश्चन रहेगा। द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ, अर्थ पर जो आता है गेट स्केटर कर जाता है, स्केटर इन ऑल डायरेक्शन, हरेक डायरेक्शन में किसके द्वारा, बाई स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और क्या है, वाटर, ड्रॉपलेट्स, इट इज। इससे क्या होता है, स्केटर फैल गया। और आप जानते हैं इसके पहले वाला टॉपिक में बताए थे कि स्केटिंग डिपेंड करता किस पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब जहां तक रिलेशन दीजिएगा कि स्केटिंग सभी कलर का बराबर नहीं होगा, एक रेलेज का फॉर्मूला देगा, अकॉर्डिंग टू रेलेज स्केटिंग फॉर्मूला, स्केटिंग का ही फॉर्मूला क्या दिया था कि स्केटिंग का जो इंटेंसिटी होता है डिपेंड करता वेवलेंथ पर, और ये लेमडा का पावर का 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हुआ कि जरा सा भी वेवलेंथ में डिफरेंस होगा दो कलर का तो स्केटरिंग का वैल्यू बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा। अगर सपोज कीजिए एक कलर का वेवलेंथ दूसरे कलर से अगर डबल है तो जो जिसका डबल है फर्स्ट कलर के कंपेरिजन में उसका स्केटरिंग क्यों होगा, 1/4 टाइम होगा।
तो स्केटिंग डिपेंड करता किस पर? वेवलेंथ पर। ये रेलिन ने फॉर्मूला दिया। दूसरा एक लिखिएगा, स्केटिंग डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ लैम्डा पर ये डिपेंड करता है। अब आइए, सातों कलर का वेवलेंथ का ऑर्डर आपने जाने हैं, जानते हैं ऑर्डर क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या है? रेड है। ये साइन क्या होगा? लेजर। तो जिस कलर का वेवलेंथ अधिक होगा उसका स्केटरिंग क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा। तो ये तीनों कलर देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सबका स्केटिंग ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं कि ब्लू दिखता है जो मैंने स्याही वाला ब्लू नहीं दिखता है। अगर ये तीनों कलर मिक्स कर जाता तो उसको क्या बोलते हैं? आसमानी बोलते हैं। लेकिन बोल चाल के भाषा में उसको क्या बोलते हैं? ब्लू ही बोले। अब आंसर को रिलेटेड इससे कर दीजिए कि ब्लू कलर का वेवलेंथ में तीनों में जो इफेक्टिव कलर दिखेगा वो क्या है? ब्लू कलर। ब्लू कलर का वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, ब्लू कलर इज मोर लेस देन दैट ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कंपेरिजन में ब्लू कलर का वेवलेंथ बहुत ही क्या होता है? कम होता है। देयरफोर स्केटिंग ऑफ ब्लू कलर इज मोर देन दैट ऑफ रेड कलर। तो ब्लू कलर ज्यादा फैल गया आकाश में, इसलिए आपका जो होगा आकाश क्या दिखेगा? स्काई का कलर क्या होगा? ब्लू होगा। तो आंसर को रिलेटेड कीजिएगा। तो ब्लू कलर का स्केटिंग सबसे अधिक हुआ, इसलिए स्काई जो अपीयर होगा, देयरफॉर स्काई अपीयर ब्लू। ये क्वेश्चन आपको तीन नंबर में या दो नंबर में आएगा तो शॉर्ट में ही लिखिए, और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आएगा कि व्हाई कलर ऑफ स्काई ब्लू किस फिनोमेना के कारण होता है, तो एक लाइन में लिखिएगा ड्यू टू स्केटिंग ऑफ लाइट। सेकेंड क्वेश्चन होता है इसी पर, स्केटिंग पर ही सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखे? व्हाई सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। सनसेट और सनराइज के समय सन रेडिश का मतलब लालिमा, जैसे सवेरे आप उठते होंगे, सूर्यास्त जब होता होगा तो सूर्य और उसके आसपास आपको लाल दिखता होगा, लालिमा दिखता हो। उसी ढंग से शाम को जब सूर्यास्त होता है उस समय भी सूर्य के आसपास स्काई का कलर और सूर्य के आसपास जो रीजन है, स्पेस है, वो भी क्या दिखता है? रेडी दिखता है। एक कारण अगर पूछेगा मल्टीपल चॉइस में वाई कलर ऑफ सन अपीयर्स रेडी एट द टाइम ऑफ सनसेट या लगा देगा सनराइज, तो एक लाइन में लिखिएगा ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट। अब आइए इसका आंसर लिखिए। ये मान लीजिए अर्थ है और यहां पर आपका क्या है? सन है, सन है दिन में। सनसेट और सनराइज के समय सन का पोजीशन होरिजिन पर आता है, यहां पर ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन का हिंदी होता है क्षितिज, ओरिजिन।
ये क्या हो गया होल, ये क्या हुआ अर्थ। तो सनसेट और सनराइज के समय सन रहता होरिजिन पर, दैट मींस लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सबसे अधिक दूर पर रहता है। तो फिगर समझ गया, एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज द सन एट होरिजन क्षितिज पर, होरिजन का मतलब हुआ कि सन जो रहेगा एट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, द सन एट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से सबसे अधिक दूरी पर रहता है एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज। इसमें भी वही क्रिया होगा, अब ये फिगर हटा देते हैं, ये समझ गए। ये फिगर क्या था कि सनसेट और सनराइज के समय सन का पोजीशन कहां पर है, अर्थ से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर रहता है सन, और दिन में 12 बजे 1 बजे सन का जो पोजीशन रहता है अर्थ से क्या रहता है नजदीक में रहता है। तो वही होगा जो द रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ गेट स्केटर कर जाएगा, गेट स्केटर्ड फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द अर्थ। अब हम जानते हैं कि जो स्केटरिंग होता है सभी कलर का सेम नहीं होता है, तो किसका अधिक होता है किसका कम होता है। अब इसमें कौन फॉर्मूला लगाइएगा, रेलेज स्केटरिंग फॉर्मूला लगा। रेलेज स्केटिंग फॉर्मूला क्या था कि स्केटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लंबा का पावर 4 था। अब हम जानते हैं कि रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। जब रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो उसका स्केटिंग क्या होगा, मिनिमम होगा। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम, हेंस इसका जो स्केटिंग होगा स्केटिंग इज मिनिमम। और हमको इस समय सन क्या है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस से वही कलर को हम ऑब्जर्वर देख सकता है जो ऑब्जेक्ट के पास में है। तो इसका मतलब हुआ कि जो रेड कलर होगा, रेड कलर ऑफ लाइट इज कन्फाइंड होगा, कन्फाइंड नियर द सन, सन के नजदीक में भरा, और रेड कलर को क्या होगा दूर से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। हेंस रेड कलर कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से उसको हम दूर से भी देख सकते हैं, क्योंकि दूर से वही कलर ऑब्जर्व होता है जो ऑब्जेक्ट के पास में रहता है। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों का आंसर क्या है, किस पर आधारित था, किस फेनोमेना पर था, स्केटरिंग ऑफ लाइट पर था। तो स्केटरिंग ऑफ लाइट से ही मतलब या तो सन ऑफ कलर ऑफ स्काई ब्लू था, और सेकेंड क्वेश्चन हम पढ़ लिए कि आपका किस पोजीशन पर सनसेट और सनराइज के समय सन कैसा दिखता है, रेडिश क्यों दिखता है।
थर्ड क्वेश्चन आते हैं इसी पर, जो रेड कलर पर ही आधारित है। जितना भी डेंजर सिग्नल सब बनाया जाता है, चाहे स्टेशन हो या कहीं रोड साइड हो या ट्रैफिक पुलिस में हो, डेंजर सिग्नल जितना रुकने उड़ने वाला है, कौन कलर का बनाते हैं? रेड कलर का। व्हाई दी डेंजर सिग्नल आर मेड ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल जितना है वो कौन कलर का बनाया जाता है? रेड कलर का। इसका भी आंसर वही होगा कि हटा देते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया। रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? मैक्सिमम होता है। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम। अब अकॉर्डिंग टू लगा दीजिए, अकॉर्डिंग टू रेलेज स्केटिंग फॉर्मूला लगा, रेलेज स्केटिंग फॉर्मूला। रेलेज स्केटिंग फॉर्मूला क्या बोला? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन लिखिएगा ये सब चारों, उसमें जरूरी जोड़िएगा रेलेज स्केटिंग फॉर्मूला, क्योंकि इसी पर ही बेस्ड है, इसी पर ही आधारित भी है। तो रेलेज का स्केटिंग फॉर्मूला ये हुआ। रेड कलर का वेवलेंथ क्या है? सबसे अधिक है, इसलिए इस फॉर्मूला के आधार पर जो स्केटिंग हो रहा है रेड कलर का वो क्या होगा? मिनिमम होगा। देयरफॉर स्केटिंग ऑफ रेड कलर इज मिनिमम। इसका मतलब हुआ कि जो रेड कलर है, ये मान लीजिए सिग्नल है, किस कलर का है? रेड कलर का। और रेड कलर का जो स्केटिंग मिनिमम हुआ तो रेड कलर सिग्नल के आसपास ही रहेगा, ज्यादा दूर में फैलेगा नहीं। यदि दूर से जनरली देखा जाता है तो दूर से आप इसको देख सकते हैं, अगर ग्रीन कलर का रहेगा तो दूर दूर में फैल जाएगा, दूर से उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो रेड कलर क्या रहेगा? रेड कलर इज कन्फाइंड नियर द सिग्नल। सिग्नल के नजदीक में कौन कलर रहेगा? रेड कलर। हेंस इट कैन बी ऑब्जर्व, इसको देखा जा सकता है फ्रॉम द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, दूर से भी इसको हम देख सकते हैं। और जनरली रेड कलर ये मतलब ये जो है डेंजर सिग्नल को ऑब्जर्व किया जाता है या यूज करते हैं किसको दिखाने के लिए? रेड कलर का। तो तीन क्वेश्चन समझिए, पहला था व्हाई कलर ऑफ स्काई ब्लू, दूसरा था सनसेट और सनराइज के समय सन क्यों रेड दिखता है, और डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों बनाया जाता है। अब चौथा क्वेश्चन इस पर ये आता है, व्हाई द क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। क्लाउड जो बादल है बरसात में काला दिखता है पानी के कारण, लेकिन अगर साफ आसमान है तो क्या दिखेगा आपको? व्हाइट दिखेगा। इसका क्या कारण है? बाकी आकाश तो आएगा, स्काई क्या दिखता है? ब्लू क्यों दिखता है? तो ये देखिए, ये मान लीजिए स्काई, इसका मेन कारण क्या है कि स्काई जो होता है उसका जो साइज होता है बड़ा होता है, लार्ज। दिस साइज ऑफ स्काई इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसके कंपेरिजन? वेवलेंथ ऑफ लाइट के। इन कंपेरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा के कंपेरिजन में इसका साइज जो होता है क्या होता है? बहुत बड़ा बड़ा होता है। अब आइए
रेलेट का जो स्केटिंग फॉर्मूला है वो सेलेक्टिव है। सेलेक्टिव का मतलब हुआ कि वो फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होगा जब आपका साइज ऑफ पार्टिकल इज कंपेबल टू वेवलेंथ या लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। रेलेट का फॉर्मूला क्या था? रेलेट स्केटिंग फॉर्मूला था कि जो स्केटर करता उसका लाइट का इंटेंसिटी लैम्डा का पावर का फोर का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला है इफ द कंडीशन क्या देखो, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल दैट इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो या साइज लेस देन या इक्वल टू क्या हो, लैम्डा, तभी ये फॉर्मूला लगता है कि अलग अलग कलर का स्केटरिंग अलग होगा। वायलेट का, इंडिगो का, जैसे ये इससे आता है एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल क्या है बहुत छोटा छोटा है और उसका जो साइज है वो कंपेरेबल है किसके, वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहां पर हम क्या देखें कि बादल का जो साइज है बहुत बड़ा हुआ तो द साइज ऑफ क्लाउड्स आर वेरी लार्ज, हेंस ये जो रेलेट का स्केटरिंग फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल बादल के केस में नहीं होगा। ये जो स्केटरिंग फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल टू क्लाउड्स। क्लाउड के केस में रेलेज स्केटिंग फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसलिए जब व्हाइट लाइट क्लाउड पर पड़ेगा, सात कलर है तो सारा कलर इक्वली स्केटर करेगा। कारण इसलिए हुआ कि व्हाइट क्यों दिखा, तो वेन लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टू दी सन इंसिडेंट करता है, इंसिडेंट ऑन दी क्लाउड्स देन ऑल द कलर, जितना भी कलर है आर इक्वली स्केटर करेगा, तब बराबर क्या होगा, फैलेगा। जब इक्वली स्केटर करेगा इसलिए जो आपका क्लाउड है वो क्या दिखाई देगा, वो व्हाइट दिखेगा। हेंस क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, इसलिए क्लाउड आपको व्हाइट दिखता है। तो चार क्वेश्चन इस पर हम बता चुके हैं, चारों को जैसा रफ में हम फिर से रिवाइज कर देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज स्केटरिंग ऑफ लाइट, सन से जो लाइट आता है अर्थ पर एटमॉस्फेयर के स्मॉल पार्टिकल से चारों तरफ स्केटर कर जाता है और स्केटरिंग डिपेंड करता है किस पर, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। ऑल कलर का स्केटरिंग सेम नहीं होगा, जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसका स्केटरिंग जो होगा सबसे अधिक होगा, लैम्डा का पावर 4। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी हो, एमसीक्यू क्वेश्चन। दूसरा इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि वायलेट या ब्लू कोई कलर दे और एक रेड दे, किसका स्केटरिंग अधिक होगा, तो जिसका आपको वेवलेंथ कम होगा उसका स्केटरिंग अधिक होगा। जैसे मान लीजिए ब्लू और रेड देगा तो बोलेंगे ब्लू का स्केटरिंग अधिक होगा, रेड का क्या देगा, कम देगा। इंडिगो ब्लू और ग्रीन देगा तो ब्लू का अधिक होगा, उसके कंपेरिजन में ग्रीन का स्केटरिंग क्या होगा,
कम होगा। तो एक क्वेश्चन हुआ व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दूसरा क्वेश्चन हुआ उसी पर आधारित है, चार क्वेश्चन अभी हम बताए, व्हाई द कलर ऑफ अ स्काई ब्लू। तो सब में एक दो लाइन जरूर जोड़ दीजिएगा, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन टू द अर्थ गेट स्कैटर्ड फ्रॉम अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ द एटमोस्फेयर। यह स्केटिंग हुआ, उसके बाद जोड़िएगा कि स्केटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा का पावर 4। तो ब्लू कलर का वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल या स्मॉलर देन दैट ऑफ रेड कलर, हेंस ब्लू कलर इज स्केटर्ड मोर देन रेड कलर इन द स्काई एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाई सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, उसका भी मैं स्केटिंग जरूर जोड़िएगा। मेन कारण उसका क्या है कि एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज सन एट द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, एंड उसमें भी स्केटिंग का फॉर्मूला जोड़ के क्या बोलेंगे कि रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम हुआ, इसलिए उसका स्केटिंग सबसे क्या होता है मिनिमम होता है। जब स्केटिंग उसका मिनिमम होगा तो रेड कलर क्या रहेगा कन्फाइंड होगा नियर द सिग्नल और दूर से भी उसको हम देख सकते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन हुआ कि भाई द डेंजर सिग्नल आर मेड ऑफ रेड कलर, तो उसमें भी वही आंसर होगा कि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक है, इसलिए रेलेंथ के फॉर्मूला लगाइए, उसके अनुसार रेड कलर का स्केटरिंग सबसे कम होगा और रेड कलर सिग्नल के आसपास ही कन्फाइंड हो रहेगा, भरा हुआ रहेगा, इसलिए दूर से भी रेड कलर को हम ऑब्जर्व या व्यू कर सकते हैं। और जनरली क्या देखते हैं रेड कलर को जनरली दूर से ही दिखाया जाता है। और थर्ड क्वेश्चन क्या हुआ कि व्हाई द ये कलर ऑफ स्काई क्लाउड्स आर व्हाइट, क्लाउड के केस में वो जो तीनों क्वेश्चन हम लिखे सब में क्या एप्लीकेबल था, रेलेज का स्केटिंग फॉर्मूला एप्लीकेबल था, उसी के अनुसार रे ऑफ लाइट चारों तरफ स्केटर करता फैलता है, लेकिन क्लाउड के केस में उसका साइज जो रहता है वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उसमें ये जो फॉर्मूला है स्केटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा का पावर 4 एप्लीकेबल नहीं होता है। जब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है इसका मतलब हुआ कि जो सन से जो लाइट आ रहा है क्लाउड पर उस सातों कलर इक्वली स्केटर कर जाएगा, अगर सात कलर इक्वली करके मिल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा व्हाइट दिखेगा, इसलिए क्लाउड का कलर व्हाइट दिखता है। तो एक इस वीडियो में हम चार शॉर्ट क्वेश्चन बताए, मल्टीपुल चॉइस में भी आ सकता है, दो नंबर में भी आता है और तीन नंबर में आता है। एक आध वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपका वेव ऑप्टिक्स का और कुछ मिराज है ऑप्टिकल फाइबर ये सब के बारे में आपको बताएंगे। बस इतना ही पढ़िए, ऑप्टिक्स में सारा क्वेश्चन आपको डील होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।